गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग विकास रजत पीडीएफ कल नहीं मिली तो आज मिल जाएगी ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग विकास ढूंढ रहा है मुझे देख मैं यहीं पर ही हूं बाकी लोग कहाँ हैं गुड मॉर्निंग स्टार्ट करें क्वेश्चन हेलो एस एम कल कोई बात नहीं आज मिलेगी बताया तो आज हम पहले सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद कर लेंगे गुड मॉर्निंग वाओ बट आज फोगी मॉर्निंग थी सनी मॉर्निंग नहीं थी हर्षिल गुड मॉर्निंग दिवान्शु गुड मॉर्निंग अच्छा पहले हम स्टार्ट करने से पहले पूछते हैं कोई भी डाउट है चैप्टर में से तो पूछो मैं पहले वो एक्सप्लेन करूंगी ताकि क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चंस में नहीं अटको ठीक है बोलो बोलो टमोरो इज क्रिसमस सो विश यू वेरी हैप्पी एक्चुअली मैरी क्रिसमस एडवांस में नहीं देवांशु मैं पटना से नहीं हूँ इन दिल्ली ठीक है गुड मॉर्निंग मोहम्मद ओके रजत का कोई डाउट नहीं है बाकी देवांशु अर्शिल एस <coughs> एम मोहम्मद किसी का कोई डाउट बच्चे बताया ना हम तो बायोलॉजी वाले हैं दिल की बातें करते हैं तो दिल दिल्ली में हम दिल्ली में ठीक है थैंक यू बच्चे चलो सो so, हमारे पास फर्स्ट है क्या फर्स्ट क्वेश्चन है इन मैन ठीक है कोई डाउट नहीं है इन मैन टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी बाय ये हमने पढ़ा था पूरा नोट्स के अंदर लिखा हुआ है और ये आपके बुक के अंदर कौन से पेज नंबर पर है बताएगा कोई पेज नंबर टू फिफ्टी एट यस द ऑप्शन सी फ्रेन्यूलम ठीक है फ्रेन्युलम क्या कहता है बताया था नीचे फ्लोर के साथ टंग को अटैच करने का काम करेगा वरना क्या होगा जब तुम लेटोगे तो तुम्हारी टंग पीछे गिर जाएगी तुम्हारे गले के अंदर तो वो गले के अंदर ना गिरे उसको होल्ड करने के लिए क्या होता है फ्रेनुलम होता है ठीक है देन सेकंड इज अरेंज द लेयर इन वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ठीक है एनाट से ये क्वेश्चन है ये आपका कौन से पेज नंबर पर होगा 260 पर आता है ठीक है पेज नंबर 260 ऑफ एनसीईआरटी ठीक है सो आंसर बोल रहे हो तुम बी एक काम करता हूं सबसे पहले यहीं पर ही नंबरिंग कर देते हैं। आउटसाइड से इनसाइड की तरफ चलना है तो सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या होगी हमारे पास नहीं हाँ, आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी आउटर मोस्ट इज सिरोसा नंबर 1 पर सेकेंड होगी हमारे पास मसल्स, देन सर्कुलर मसल्स, देन में आपके पास ओब्लिक होती है तो ओब्लिक मसल हो जाएगी उसके बाद होगी सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा, तो आपका हुआ डी बी ए सी ई एंड एफ यस ऑप्शन नंबर बी ठीक है चलो मूव करते हैं ओके वी हैव टू क्लियर फर्स्ट नेक्स्ट टाइम से हम करेंगे ये कि तुम लोग अपनी एनसीआर लेके बैठोगे और पेज नंबर तुम बताने की कोशिश करोगे मुझे ठीक है थर्ड क्वेश्चन है सिस्टिक डक्ट अब सिस्टिक डक्ट की बात करती हूँ तो ये कौन से पेज पर है देखो एबडोमिन के साथ ही मिलेगा आपको उसके बाद ही आ रहा होगा जहाँ पर भी आ रहा होगा टू सिक्सटी पर ही मिलने वाला है ये आपको और सिस्टिक डक्ट डक्ट ऑफ पेंक्रियाटिक एक्नी डक्ट ऑफ गॉल ब्लेडर कॉमन बाइल डक्ट हिपेटो पेंक्रिएटिक देखो यस आंसर आपकी डक्ट ऑफ गॉल ब्लेडर है क्योंकि डक्ट ऑफ पेंक्रिएटिक एक्नी में कौन सी दी आपकी सेंटोरिनी ठीक है और दूसरी कौन सी दी विरसन ओके कॉमन बाइल डक्ट जो कि आपकी सिस्टिक डक्ट और कॉमन आपकी जो हिपैटिक डक्ट थी उन दोनों से मिलने से बनी थी और कॉमन हिपैटिक डक्ट कौन सी थी जो दोनों हिपैटा के लोब्यूल से जो डक्ट निकली थी उनके फ्यूजन से बनी थी और हिपैटो डक्ट जो कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रिएटिक डक्ट उनके फ्यूजन से बनी है ठीक है नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोटियोलिटिक एंजाइम व्हिच एक्ट इन एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम में प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो कि प्रोटीन पर वर्क करता है वो अब एसिडिक एनवायरमेंट कहाँ होता है स्टमक में ये कौन से पेज नंबर पर है टू सिक्स टू पर ठीक है दैट इज पेप्सिन रजत बिल्कुल सही नेक्स्ट इज ब्रिनर्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन ब्रुनर्स ग्लैंड की बात कर करें ब्रुनर्स ग्लैंड कहां पर मिलेंगी आपकी जगह क्या होगी जल्दी बताओ पहले तो चमक में मिलेगी इंटरस्टाइन में मिलेगी ये भी पेज नंबर टू सिक्सटी टू का ही है ग्लैंड जो कि कहाँ पर होती है सम्यूकोसा में होती है और कहाँ की सम्यूकोसा में सिर्फ कहां पर मिलता है? में ठीक है तो ये मिलती है इंटरस्टाइन में यानी कि सम्यूकोसा ऑफ ज्यूडिनम Danne? Ciao! कल बच्चों हमारी क्लास नहीं है मंडे हमारी क्लास होगी और मंडे की क्लास में हमने स्टार्ट करना है चैप्टर अपना रेस्पिरेशन जो हमें ट्यूसडे की क्लास तक कंप्लीट करना है ये याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हार्मोन विच इनहिबिट गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन गैस्ट्रिक मोटिलिटी और सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा ये कौन सा होगा देखो ये अगर सच कहूं तो किसी पेज पर नहीं है इसके लिए कोई पर्टिकुलर पेज नंबर हमारे पास नहीं है बट हम बात करते रेगुलेशन की, और रेगुलेशन किसके बेस पर हो सकता है, हॉर्मोनल हो होगा ठीक है और यहाँ पर हॉर्मोनल पे आपका क्वेश्चन है तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहलाएगा कि ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है लेकिन ये कॉन्सेप्ट का कैसा है उसकी आ, मतलब पूरी अगर आपको नॉलेज हो उसके अराउंड की तब जाके आप इसको कर पाओगे सॉल्व ठीक है सो इसके लिए हम कोई पेज नंबर पर्टिकुलर नहीं बता सकते कि इस पेज नंबर पर ये लिखा हुआ है ओके okay? हर्षिल का कहना है गैस्ट्रिन सी ठीक है और रजत का कहना है बी एस्ट्रोग ओके तो सिक्स के लिए और किसका क्या कहना है पहले सिक्स की बात करो सेवन की बात नहीं करते अभी सिक्स की बात देवांशु का कहना भी है क्या बी एंटेस्ट्रिन ठीक है चलो मेरे को यह बताओ पहले एंटेरोन का क्या रोल है एंट्रोक्राइनिन का क्या रोल है अगर तुमको याद हो हमने जो एंट्रो टर्म लगाई थी सर यहाँ पर एक्स्ट्रोक्राइनिन है चलो एंड्रोडॉम जो हमने लगाई थी चाहे वो क्राइनिन में या गैस्ट्रिन की बात करें जहाँ इनहिबिट की बात है क्राइनिन में क्या होगा इंटेस्टाइन में इनिबिशन होगी गैस्ट्रिन में क्या होगा आपका गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक का होगा अब यहाँ क्योंकि गैस्ट्रिक सिक्रीशन के ही इनिबिट होने की बात हो रही है मोटिबिलिटी जो उसकी मोबिबिलिटी है और जो उसकी सिक्रीशन है तो आंसर आपका बी होगा गैस्ट्रिन का काम क्या होगा गैस्ट्रिन इंक्रीज करने का काम करेगा इंस्टेड ऑफ इनिबिट ये क्या करेगा उसको स्टिमुलेट करेगा ठीक है नेक्स्ट इज बाउल फ्रिक्वेंसी एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फिकल डिस्चार्ज आर सिम्टम्स ऑफ भाई ये भी हमने कल डिजीज की बात करी थी कौन सी डिजीज होगी जिसमें वाटर लॉस बहुत ज्यादा होगा सेवंथ का आंसर है ए क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में तो होगा ही नहीं कल किसी ने बताया था कि कितना भी कुछ करो आएगी नहीं ठीक है और एनडाइजेशन में डाइजेस्ट नहीं होगा और जॉइंटिस <coughs> पिगमेंट्स का बढ़ जाना ये कौन से पेज नंबर पर है बताओ पेज नंबर डिजीज की बात है जहां चैप्टर खत्म हो रहा होगा कहीं वहीं पर ही आ रहा होगा done नेक्स्ट so, की बात करते हैं देखते हैं अगर दोनों दिख जाए हमें एक साथ पेजेस शायद नहीं दिख पाएंगे ओके रब कर देते हैं पहले

प्रोटीन की डेफिशिएंसी बिल्कुल लास्ट पेज पर ही है दैट इज टू सिक्सटी सिक्स ओके चलो हाँ जी बच्चों आई थिंक कुछ ग्लिच आ रहा है हमारा नेक्स्ट ओपन नहीं हो रहा लेट मी चेक दो मिनट रुको बच्चों आई हैव टू चेक वेट सेकेंड लास्ट लाइन बिल्कुल सही बात है चलो बच्चों हमारे बिहाइंड द सीन भैया हैं जो अभी सॉल्व करेंगे हमारी चीजें फिर हम आगे का काम कर पाएंगे जो भी ग्लिच है वो निपटाते हैं इधर है बस दो मिनट लगेंगे ठीक है इतने तुम लोगों के डाउट है तो तुम मेरे को डाउट लिखो मैं डाउट का आंसर देती हूँ और तो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है इतने तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो अभी करेंगे रुद्रा आंसर्स बिल्कुल सही दे रहे हो तुम नाइंथ का आंसर क्या दिया है तुम लोगों ने बी दिया है टू वन टू थ्री बिल्कुल सही बात है टेंथ का आंसर तुम लोगों ने दिया है क्या हमारे पास स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट के लिए अच्छा इसकी भी अभी बात कर लेंगे ठीक है अच्छा हाँ देवांशु का क्वेश्चन क्या था प्रोगे

क्वेश्चन बच्चे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी इस सेशन के बाद जैसे ही इसकी वीडियो मिलेगी उसी के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी इलेवेंथ का ए ही है मतलब पहले ही बस यही दिख रहा है मैडम मैं तो ए ही बोल दूंगा ए ही है इलेवेंथ का आंसर ऐसा क्या रुद्रा इलेवेंथ पे पहला ऑप्शन तो टोटली गलत है साफ पता लग रहा है पूछ, पूछा गया है करेक्ट अबाउट द क्या बाइल के लिए तो बाइल ना तो गोल्फ ब्लेडर से सिंथेसाइज थोड़े ना होते होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सी लाइन की बात कर रहा है बता मेरे को ये इनकरेक्ट समझने से क्या हुआ चार नंबर तो इस क्वेश्चन के गए और एक नंबर पिछला जो सही करा था ना उसमें से भी माइनस हो गया तो भाई पांच रुपए का नुकसान मतलब पांच नंबर का नुकसान पांच का नुकसान नहीं करना हमको हमको सिर्फ एक का नुकसान करना है अगर नहीं तो छोड़ दो स्केप कोई नहीं रुद्राज आर रिटेन विद इन द कॉलन बिल्कुल कॉलन के अंदर ही रह जाता है क्योंकि कॉलन से मूव नहीं कर पाएगा रेक्टम के थ्रू पहुंच जाएगा तो रेक्टम से मूवमेंट होगा ठीक है सो वो कॉलन में है कॉलन में इस वजह से है क्योंकि वहां से आगे मूवमेंट नहीं हो रहा है रेक्टम की लेंथ इतनी ज्यादा थोड़ी ना है कि वो बहुत ज्यादा देर तक स्टोर कर लेगा तुम्हारे फूड को कॉन्स्टिपेशन तो लोगों को दो दो तीन तीन चार चार दिन तक भी हो जाता है हाँ जी बच्चो देख बच्चे अगर जब कॉन्स्टिपेशन होता है मैंने बताया ना कॉन्स्टिपेशन क्या है कॉन्स्टिपेशन एक दिन के लिए दो दिन के लिए तीन दिन के लिए चार दिन के लिए भी बाउल का मूवमेंट ऐसा हो सकता है कि रुका हुआ है ठीक है अगर लंबा बाउल का मूवमेंट रुका हुआ है तो कहां पर तभी जाकर वो एक प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होगी ना कोई एक दिन में तो तुम ये नहीं बता सकते कि तुमको कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो गई है ठीक है और अगर इतना लंबा होगा और तुम खा रहे हो खाए जा रहे हो खाए जा रहे, खा रहे हो मतलब इनटेक चालू है भाई आउट बंद हो चुकी है इनकमिंग चालू है तो इनकमिंग चालू है आउट बंद है तो वो रुकेगा ना तो रुकने में फिर खाली रेक्टम कितना स्टोर करेगा रेक्टम से कॉलोन में तो आएगा ठीक है चलो अब हम थे नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों ने मुझे दे दिया था नाइन्थ का आंसर क्या दिया था तुम लोगों ने टू वन टू थ्री इसके लिए अगर मैं पेज नंबर की बात करूं तो पेज नंबर बताओ जरा जल्दी से अपन लोग पेज नंबर साथ साथ टैग करेंगे बताओ पेज नंबर टू फिफ्टी एट पेज नंबर पर है ठीक है था हमारा ठीक है की बात कर रहे थे तो incorrect में हमने कौन से वाले को बोला था कि इनकरेक्ट है द इनकरेक्ट वन इज आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर मी इट्स करेक्ट

देयर uh, सिंथेसाइज नहीं होगा तो ये पॉइंट गलत हो जाता है इट कंटेन्स एंजाइम विच इमल्सिफाई द फैट एंजाइम तो इमल्सिफाई नहीं करता ठीक है देन इट कंटेन्स बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स ठीक है बिलिरुबिन प्रेजेंट इन द डीकंपोज फैट्स डीकम्पोज फैट्स की भी बात अलग है ठीक है इन्हें वो डिकम्पोज नहीं करेगा फैट्स को इमल्सिफिकेशन का काम होगा और इसके अंदर बाइल सॉल्स और बाइल पिगमेंट्स होते हैं ये बात बिल्कुल सही है पेज नंबर नहीं बताया मुझे अभी तक पहले वाले का पेज नंबर है, है? है अच्छा सौरी, 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 मैंने नहीं देखा था रुद्रा और रजत और देवानशु सब ने बताया था टू फिफ्टी नाइन इस वाले का क्या है जो हमने अभी बाइल वाले की बात करी है बाइल वाले का पेज नंबर बिल्कुल सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर होगा हर्षल 261 पेज नंबर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट विल हैपन इफ द सिक्रीशन ऑफ पेराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर ब्लॉक्ड बाय द इनहिबिटर्स पेराइटल ग्लैंड्स का सिक्रीशन जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है अब पहले मुझे ये बताओ कि पेराइटल जो सेल्स हैं उनका सिक्रीशन क्या है पैरिटल सेल्स जो होती है उनका सिक्रीशन क्या होता है ये बताओ क्या सिक्रीशन होगा उसका बाद बाद में उसके बाद हम इसकी बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है cells का पैरटल क्या है सबसे पहला क्वेश्चन यही है आई थिंक गेस्ट्रिक की बात है और यहां पर इसकी बात है पेज नंबर टू सिक्स 1, नहीं, नहीं, 262 होना चाहिए का हाँ. बच्चे की बात हो रही है तो पैरेटल सेल्स ऑब्वियसली सिक्रीट कर रही है एच को सही बात है तो पहली चीज है गैस्ट्रिक जूसेस विल बी डेफिशियंट इन यानी कि रेनिन सेकेंड है गैस्ट्रिक काइमोसिन कहाँ से यानी कि रेनिन कहाँ से सिक्रीट होता है ये बताओ रेनिन और पेप्सिनोजन कहाँ से सिक्रीट होता है दैट इज सिक्रीट फ्रॉम द चीफ सेल्स ठीक है तो ये तो दोनों ही क्या होंगे गलत हो जाएंगे देन नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ द सिक्रीशन ऑफ एच सी एल इन एक्टिव पेप्सिनोजन इज नॉट कन्वर्टेड इन टू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन डेफिनेटली अगर एच नहीं है तो कन्वर्जन नहीं हो पाएगा एंटेरियर काइनेज विल नॉट बी रिलीज फ्रॉम द ड्यूरिनल So is not into the nah, इसका तो कोई रोल नहीं है ठीक है सो आंसर योर सी चलो भाई मूव करते हैं आगे पेज नंबर याद रहेंगे अच्छा ये बताओ इसके बाद भी अगले जो हम करेंगे उनमें पेज नंबर लिखने या बिना पेज नंबर के अब समझ गए कि सारी की सारी में पेज नंबर होंगे ही होंगे जब तक तुम कहोगे तब तक मैं लिख लिख के बताऊंगी तुमको रीड द फॉलोइंग एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है अब तुमको ठीक है अच्छा रजत सॉरी मुझे नहीं पता था आई विल ट्राई एक मिनट ये थैंक यू बताने के लिए सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू थ्री रीजन ए जे शेप ड्यूटिनम ए लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जेजिनम एंड अ कॉइल्ड इलियम इन द कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक थर्ड इज अरेजमेंट ऑफ इज इन ईफ अपर एंड लोअर जो इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस्ट समो ऑर्गेनिजम्स यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट सो विच वन इज इनकरेक्ट टू लग रहा है कार्तिक यानी कि टू एंड फोर हुँ? बच्चे टॉपिक भी इलेवेंथ का ही है थर्टींथ का आंसर ए बिल्कुल सही बात है वन एंड फोर क्योंकि ड्यूटिनम जे शेप में नहीं होगा ठीक है एंड सिंबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम सीकम में मिलेंगे रेक्टम में नहीं मिलेंगे ठीक है इसका पेज नंबर क्या होगा पेज नंबर ऑब्वियसली टू से तो होगा क्या होगा वो तुम मुझे बताओगे इतने नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लार्ज इंडस्टाइन लार्ज इंडस्टाइन का काम क्या नहीं है नॉट फोकस रखना एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प्स इन एडेयरिंग द वेस्ट प्रोडक्ट टुगेदर एंड लुब्रिकेटेड टू द इजी पैसेज फेसिस एंटर इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वॉल्व सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन सो विच वन इज इनकरेक्ट 259 इज द राइट आंसर ए 259 सही है इसका आंसर बताओ क्या है 14th का 14th का आंसर इज डी यस दैट इज इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ डाइजेस्टिव एक्टिविटी की बात हो रही है एंड लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं है ये आपका है पेज नंबर 264 से ठीक है

डायरिया याद है कौन से पेज नंबर से बताया था ये भी पता होगा जल्दी से बताओ मैं एक मिनट पानी पी लू टू सिक्सटी फाइव यस

फर्स्ट प्रोटीन एंड देन फैट्स देखो हमेशा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आपका कार्ब होगा कार्ब के बाद आएगी आपकी जो एनर्जी ली जाएगी लिपिड से एंड क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा क्या मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है लिपिड इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है क्या कार्ब ठीक है और अगर आपकी बॉडी में कार्बन लिपिड खत्म हो जाते हैं तो फिर आती है बात मसल्स वगैरह की इन सब के डिग्रेडेशन की तो नहीं होता तो फिर आपको एनर्जी मिलेगी कहां से? से. क्वेश्चन है इसमें बायो और यार रेस्पिरेटरी तीन चीजें इन्वॉल्व हो जाती है ठीक है सो आप कह सकते हो दैट इज क्वेश्चन या इंटरलिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन ठीक है बट ये पूछा जा सकता है सो आंसर क्या होगा इसमें से, 16th का answer. Yes, B. Firstly, carbohydrate होगा, इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज स्टोर्ड बाय द गैस्ट्रिक एसिड को स्टोर करने वाली सेल्स कौन कौन सी होंगी ठीक है एसिडिक सेल्स गेस्ट्रिन सेक्रेटिंग सेल्स पेरिडेल सेल्स एंड पेप्टिक सेल्स पेज नंबर stomach की बात करोगे जहां पर भी ये आ जाएंगे सो so, 262 पेज नंबर के ऊपर ये होगा ठीक है 17 का रुद्रा रुद्रागा कहना है समझ नहीं आया देख बच्चे जब भी भी आपको इ... एक मिनट रुद्धा पहले ये बता कि बायोमोलिक्यूल वाली वीडियो देखी है या नहीं देखी है जल्दी आंसर दे पहले नहीं देखी ना इसीलिए तो नहीं समझ में आ रहा मैंने कहा था वो वीडियो देख लो बैकलॉग में मत रखो चल सबसे पहले अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात करूँ तो इंस्टेंट एनर्जी जो इमीडिएट एनर्जी की सोर्स होती है वो कार्ब होता है तभी आपका कोई भी रेस्पिरेशन होगा जो प्रोसेस चलेगा आपका मेन रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट जो होता है वो कार्ब होता है ठीक है तो सबसे पहले कार्ब यूटिलाइज होंगे तो अगर आपके स्टावेशन की कंडीशन भी है तो पहले आपकी बॉडी के अंदर जितना भी काम है क्योंकि वो डायरेक्टली यूज हो जाएगा तो उसको यूज किया जाएगा जब बॉडी में से कार्ब खत्म हो जाएगा तो बॉडी में जो स्टोर्ड फैट होता है उसका बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह के थ्रू क्या होता है वहाँ से एनर्जी ली जाती है ठीक है तो वहाँ पर सेकंड सोर्स क्या हो गई आफ्टर कार्ब आपके पास लिपिड्स जब आपकी बॉडी से कार्ब खत्म लिपिड खत्म अभी भी आप फास्टिंग यानी कि स्टावेशन की कंडीशन में हो तो क्या होगा तब आपकी बॉडी की प्रोटीन्स यूज होने लगी अब आपकी जितनी भी मसल्स हैं वो मसल्स क्या है सारी की सारी

टू वेस्ट बात करती हूँ तो मेरे पास एच और ये एच सी एल से सिक्रीट होगा एसिडिक सेल्स तो करेंगी नहीं गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग से सेल्स भी नहीं करेंगी जी सेल्स से क्या था गैस्ट्रिन ही सिक्रीट हो रहा था जी सेल्स के थ्रू तो पैरेटल सेल्स और पैप्टिक सेल्स दो बचते हैं तो आंसर इज पैराइटल सेल्स ये क्रीड करती हैं आपका एच सी एल ठीक है पेज नंबर टू सिक्सटी टू पे है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा मैं ऊपर कर देती हूँ दिखना शुरू हो जाएगा

ट्रिप्सिन जब वर्क कर देगा तो अभी पेप्टाइड चेन को ब्रेक करने का काम करेगा पहले कार्बोक्सिलिक एंड से एंड टूटना शुरू होगा सो so, कार्बोक्सीपेप्टिडेज जब कार्बोक्सीपेप्टिडेज से बनेगा तो पहले ट्राइपेप्टाइड बनेगा देन डायपेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा ट्राइपेप्टाइड से डायपेप्टाइड बना डायपेप्टाइड के ब्रेकडाउन से अमीनो एसिड बनता है सो द ऑप्शन विल बी बी पेज नंबर पेज नंबर ये इंटरस्टाइन तक के एंजाइम्स की बात हो रही है और क्योंकि ये स्टमक से शुरू हो गए मतलब प्रोटीन के डाइजेशन की बात है तो डेट विल बी ऑन टू सिक्सटी थ्री आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग

तो ये पेज नंबर कौन सा होगा 261 इफ द पीएच ऑफ स्टमक इज 1.6 ठीक है एसिडिक पीएच है इवन कंसेंट्रेटेड है बहुत ज्यादा हाइली एसिडिक पीएच देन व्हिच एंजाइम विल डाइजेस्ट प्रोटीन कौन सा एंजाइम होगा जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा amylase trypsin erepsin pepsin अब मैंने तुमको erepsin वहां पर बता दिया था ये तुम लोगों को अच्छे से याद होगा ठीक है ऑल दो यहाँ पर उसका रो... मैं तो आंसर ही बता दूंगी ठीक है ट्रिप्सिन एरेप्सिन एंड पेप्सिन सो रोल की बात हो रही है ठीक है अमाइल तो कभी इस चमक की एसिडिक पीएच पे फंक्शन करेगा ही नहीं हाँ अभी यहीं पर ही क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा वर्क नहीं कर सकता तो अमाइलेस की एक्टिविटी खत्म हो जाती है जैसे ही वो एसिडिक पीएच पे आता है ठीक है यहाँ पर क्या है पेप्सिन ओके okay. प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा कौन आपका पेप्सिन क्लियर यहां तक सबको अच्छा पेज नंबर की बात करोगे तो इसका पेज नंबर है टू सिक्सटी टू बच्चे द पेज नंबर इज टू सिक्सटी टू ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन

डाई हाँ, सेकेंड इस चार्ज पे माइलेज वर्क करे और डाई बन जाए जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर दे रहे हो डी ट्वेंटी वन का आंसर डी दे रहे हो क्या नहीं ये तो ट्वेंटी का दिया होगा ना तुमने ट्वेंटी वन का बताओ डी ही है चल भाई अगर डी ही है तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमने बात करी थी कि ऑफ स्टार्च जो होगा वो यहीं पर ही डाइजेस्ट आउट होगा ठीक है टू सिक्स थ्री नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन मैंने बताई थी तीनों कंडीशन

फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट काइलोमाइक्रोन्स ही पड़े हैं ये तुम मुझे बताने वाले हो पेज नंबर टू सिक्सटी फोर है जल्दी 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 ट्वेंटी फोर का नहीं पता काइलोमाइक्रोन माइक्रोन वाले का दिवानशु कल ही बात करी थी हमने कल की क्लास में ये डिस्कस किया है पूरा काइलो आर प्रोड्यूस इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ये बोला गया है अब आपको इनकरेक्ट बताना है काइलोमाइक्रोन के लिए जो है इट कंटेन्स ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स

जब वो में आएगा तो उन मिसेल्स के अराउंड प्रोटीन उसको एक करेगा एक से बना देगा जिससे वो मिसाइलोक्रोन और ये काइलोमाइक्रोन्स चले जाएंगे आपके में चले जाएंगे बताया था तो कायलोमाइक्रोन आर रिलीज फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स इन टू दही है आपका फोर्थ वाला ऑप्शन द दे आर प्रोटीन कोटेड स्मॉल वेसिकल्स ये भी ठीक हो जाएगा ठीक है तो थर्ड भी ठीक है फोर्थ भी ठीक है अब बताओ इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं ना काइलोमाइक्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा अच्छा देवान शुकल एबसेंट था कोई बात नहीं बच्चे तो फिर वीडियो देख लेता डेढ़ घंटे की तो वीडियो थी ज्यादा बड़ी थोड़ी ना हाँ बताओ इंटेस्टाइन ये सही होगा या गलत होगा क्योंकि ये दो में तुम बता चुकी हूँ रजत का कहना है ट्वेंटी का आंसर ए मीन्स वन एंड फोर फोर्थ स्टेटमेंट गलत कैसे है ये बता मेरे को गलत देखना है ये यहाँ पर ये चीज भी देख लेना

तो कायलो माइक्रोन कहाँ बन रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में बन रहा है तो ये भी सही है ठीक है अब आपका क्या है इट कंटेन्स ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रोल एंड फॉस्फोलिपिड्स फैटी एसिड की चेन है कुछ भी हो सकता है फैट में तो यहाँ पर आपके पास इनकरेक्ट कुछ भी नहीं है ऑल आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स ठीक है ऑल आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स ठीक है तो पेज नंबर बताओ अच्छा पेज नंबर तो हमने बताई दिया फोर चलो ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन प्रोसीड्स डाइजेशन के प्रोसेस में क्या क्या होगा ट्वेंटी फाइव का सी हाँ पहले इंजेशन होगा फिर डाइजेशन होगा अरे सी कैसे हो जाएगा गलत इंजेशन डाइजेशन, एब्सॉर्बेशन एंड देनेशन तो डी एंड लास्ट में क्या होगा इजेशन अगर इससे आगे पूछते हैं देन इजेशन हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप विल बी ठीक है सो आंसर विल बी डी पेज नंबर बताओ पेज नंबर ये तो तुम ही बताओगे ट्वेंटी फाइव का पेज नंबर मैं नहीं बताने वाली

फिर आती है आपकी गैस्ट्रो इसोफेगल जो कि आपकी कहाँ पर है इसोफेगस और स्टमक इस के बीच में लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है तो इलियोसिकल वॉल्व क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज पोर्शन लास्ट पोर्शन क्या है इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन क्या है सीकम तो इलियम और सीकम के बीच में जो वॉल्व है दैट इज इलियोसिकल वॉल्व ओके पेज नंबर एड इस 264 और यहाँ पर ये 265 पे जहाँ पर लास्ट में खत्म होता है बताओगे नहीं ना तुम मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में जल्दी जल्दी बोल के बताओ

जो इनकरेक्ट ऑप्शन भी हैं उनके बारे में भी मैं तुमको बताती चल रही हूँ इसीलिए कि उनका उन उनका मतलब क्या है ट्वेंटी आइडेंटिफाई टू थ्री फोर एंड फाइव सेकेंड पार्ट को थर्ड पार्ट को फोर्थ पार्ट को और फिफ्थ पार्ट को बताना है ठीक है देखो सेकेंड पार्ट ये येलो कलर का है दैट इजटन बताया भी था मैंने तुमको ठीक है थर्ड पार्ट जो है ये जो तुम्हारी इसके अराउंड है 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 दैट आर कैपिलरीज ठीक अब ये फोर्थ वाला रेड तो अराउंडली आर्टरी होगा वेन तो होने से रहा वेन का कलर ब्लू दिखाते है हम ठीक है एंड फिफ्थ वन ये दैट इज क्रेप्ट ऑफ लिवकूह ठीक है सो so आंसर कौन सा बैठता है इस हिसाब से लैक्टल कैपिलरीज आर्टरी एंड कोल ओके कोल को इन्होंने क्रिप्ट लिखा है खाली सो आंसर विल बी डी ठीक है आंसर विल बी डी 27 का सी कैसे हो जाएगा कैपिलरीज थोड़े ना ये देखो ये येलो पर बात की है ठीक है ओके okay देवानशु और कल की क्लास अटेंड नहीं की थी और ये हमने कल की क्लास में बताया भी था डायग्राम बना के बताया था तो कल की क्लास देखनी बहुत जरूरी है और इसका पेज नंबर डायग्राम देख के बताओ जरा कौन से पेज नंबर पे है Yes. इसका दो आंसर सबने बहुत अच्छे से दिया टू सिक्सटी अच्छा अब क्वेश्चन है तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द डिफरेंट ऑटोनॉमिकल रीजन ऑफ ह्यूमन स्टमक स्टमक के इस, uh, उसकी बात है यहाँ पर कि स्टमक के करेक्टली रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है ये एनाटॉमी की बात की जाएगी एनाटॉमिकली अगर आपको देखना है तो ये देखो ये यहाँ पर है क्या क्या होगा ए पार्ट कार्डियक होगा या इगस होगा जल्दी बोलो कार्डियक बी पार्ट इज द कार्डियक सी पार्ट इज द फंडस डी पार्ट इज द पलोरिक पार्ट ड्यूडिनम के अंदर आ गया और ए पार्ट ईसो होगा सो आंसर विल बी ईसो कार्डियक फंडस फैलोर ड्यूटिनम सी पेज नंबर फिफ्टी नाइन पे बनी हुई है स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक ठीक है थर्टी ही क्वेश्चन है हमारे ग्लीसंस कैप्सूल इज एसोसिएटेड विद कैप्सूल किस चीज से एसोसिएट करता है जल्दी बताओ

यानी कि पेज नंबर टू सिक्सटी फाइव पर ये है टू सिक्स आपका चैप्टर एंड हो जाएगा सो so, आज के लिए हमारे पास इतने ही थे ठीक है होपफुली तुम सबको मजा आया होगा ठीक है और पी तुम लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी तुम लोगों के साथ ये पी पूरी शेयर हो जाएगी और मिलेंगे हम मंडे को मंडे में हम मिलके करने वाले हैं रेस्पिरेशन तो तुम लोगों को थोड़ा सा पढ़ के आना है और पढ़ के इसलिए आना है ताकि चीज़ें जल्दी फास्ट पेस पर हम कर सकें मेरा टारगेट है कि हम मंडे और ट्यूसडे की क्लास में रेस्पिरेशन को कंप्लीट करें सो so दैट कि हम नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वेंसडे थर्सडे और फ्राइडे इन तीन दिन में हम अपना कवर अप कर सकें पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम एंड बॉडी फ्लू क्योंकि वो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा ठीक है क्योंकि वहां हमें ब्लड के बारे में भी पढ़ना है ब्लड के क्लोटिंग uh, के बारे में भी पढ़ना है और फिर हमें सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है तो वो थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा तो आई विल ट्राई कि कल छुट्टी छुट्टी नहीं है कल के लिए तुम्हारे पास काम है तुम लोगों को अपने बायोमोलिक्यूल्स जो है ना वो पूरे के पूरे कवर करने हैं जो तुमने अब तक बैकलॉग में बचा रखा है मैंने कोई छुट्टी नहीं दी है बायो मोल्स का बैकलॉग कवर करना है अगर बैकलॉग कवर करोगे तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हम वेंसडे को इवनिंग में एक सेशन रखेंगे जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ठीक है क्योंकि तुम तो मुझे दिन बताओगे नहीं फिर मेरे को ही कहना पड़ेगा कि हम वेंसडे में शाम को बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन करेंगे डन है थम्स तो अप दिखा दो रेडी हो तो इवनिंग में नहीं ओके okay. तो कोई बात नहीं जिस दिन हमारा रेस्पिरेशन खत्म होगा ना रेस्पिरेशन के बाद हम नेक्स्ट डे बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस कर लेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे ठीक है पीडीएफ बच्चे ऐप के ऊपर मिलने वाली है ऐप पर मिलेगी आपको आज की वीडियो अपलोड होगी वीडियो के साथ साथ ये क्वेश्चंस पीडीएफ अपलोड हो जाएगी जैसे हर लेक्चर के साथ के जो नोट्स होते हैं वो भी अपलोड हो जाता है ठीक है न नहीं किसी को कोई और डाउट नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया और तुम लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो गए चलो तो मिलेंगे हम मंडे को तब तक के लिए तुम लोगों को करना है क्या इसका एक बार रिवीजन ये क्वेश्चंस दोबारा से प्रैक्टिस करने हैं खुद बैठ के और नेक्स्ट में हम मिलने वाले हैं रेस्पिरेशन के साथ या ब्रीदिंग के साथ कह लो ठीक है और लव यू मिस यू बाय गुड नाइट मैरी क्रिसमस ठीक है चलो बाय